जौनपुर के लाइन बाजार थाना क्षेत्र के पचहटिया स्थित पैरामेडिकल कॉलेज के छात्रावास में एक छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने छात्रावास का दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला। वहीं पुलिस खोजी कुत्ते की सहायता से मौत के वजह को पता करने की कोशिश कर रही है। अचानक छात्रावास में आभा निषाद की फांसी लगाकर आत्महत्या करने से सभी लोग हैरान हैं। थाना लाइन बाजार क्षेत्र में स्थित कुंवरदास सेवाश्रम पछटिया में एक कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर तैनात आभा निषाद पुत्री फिरतू निषाद निवासी ग्राम कल्याणपुर थाना जाफराबाद जो अपने हॉस्टल में रहती थी वो अपने हॉस्टल के कमरे में पंखे से लटकी हुई पाई गई हैं। इस संबंध में जो प्रबंधिका हैं उन्होंने सूचित किया है और शव को पुलिस के कब्जे में लेकर पंचायतनामा के लिए भेजा गया है। पैरामेडिकल कॉलेज की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पैरामेडिकल कॉलेज की छात्रा ने आत्महत्या कर ली। खबर यूपी के जौनपुर से है जहां पुलिस शव को लेकर कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मनोज उपाध्याय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आखिर क्या वजह है छात्रा की आत्महत्या करने की, क्या कुछ खुलासा हो पाया अभी तक? ये बताना चाहेंगे कि अभी पुलिस जो है मामले की छानबीन कर रही है। परिजनों ने तहरीर दे दिया है अज्ञात में कि यहाँ जो है कॉलेज में रह करके पढ़ाई करती थी और कॉलेज का काम धाम बुला इनका देखती थी लड़की, लेकिन रात में जो उसने आत्महत्या किया। पुलिस सुबह जो कॉलेज वालों को जानकारी हुई तो इस मौके पे आई, पोस्टमार्टम कराया। इस मामले में परिजन कुछ बताने से अभी इनकार कर रहे हैं, लेकिन तहरीर उन्होंने दे दिया है अज्ञात में। पुलिस मामले की छानबीन अभी कर रही है, कुछ खुल करके अभी बाहर मामला नहीं आया जी। परिजनों द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है? परिजनों द्वारा भी अभी अज्ञात में ही मामला हुआ, वो किसी बनी हुई कि आखिर लड़की ने ऐसा क्यों किया, ऐसी कोई बात नहीं थी कि वह जो है काफी थोड़े दिन दो दिन से तीन दिन से परेशान दिख रही थी, परिजन बता रहे थे, लेकिन कुछ खुलासा नहीं कर पा रहे हैं जी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।